सो भाई लोग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अभी क्या सुबह के जो है 6:30 बज रहे हैं। एक बार आपको सुबह का वेदर दिखाता हूँ, रात को तो नहीं दिखा पाया बट अभी दिखाता हूँ आपको। एक बार ये चेक करो यार, हिमालय का व्यूज़, और वहाँ से अभी होने वाला है सनराइज, तो वहाँ का व्यू भी दिखाऊंगा अभी। तो भाई लोग, ये रानीखेत की मेन मार्केट, जैसे कि आप देख रहे हो, कल यही सामने खाना पैक कराया था, और सामने वो है अपना होटल। अभी क्या है, सुबह सुबह निकल चुके हैं हम लोग बाहर चाय वाय पीने के लिए। मैं तो सबसे पहले नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, बिकॉज जितना लेट करूँगा ना उतना लेट ही हो जाऊँगा, इसलिए अच्छा है कि सबसे पहले नहा खा के फ्रेश हो जाए एकदम। अब ठंड भी नहीं इतनी लग रही, पहले लग रही थी नहाने से पहले, बट अब सब कुछ फ्रेश हो चुका है। राहुल भाई और रघु भाई पहले नीचे आ चुके हैं, नहाए भाई नहीं अभी है, फ्रेश रहना होना बाकी इनका। भाई आप लोग नहाए भाई के अभी, और का भाई कल से मजाक उड़ा रहे मेरा। रघु अभी फ्रेश वगैरह क्यों नहीं हुए? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुए? ओ तो अभी यहाँ पे वगैरह चाय वाय डाल के पीते हैं। तो राहुल ठंड पूरी हो रही है ना? लेकिन ठीक है, मतलब क्या अब यहाँ से चाय वाय पीते हैं फिर निकलते आगे। ये देखो पहाड़ी डॉग, भाई लोग ये आ चुके अपनी चाय, और सामने हिमालय का व्यू, शायद आपको क्लियर ना दिख रहा हो। मैं अपने भाई लोगों की चाय चल रही है, बस ये सारे अपने भाई लोग खड़े हुए यहाँ पे। गाइस मैं यहाँ पे लस्सी पी रहा हूँ, गाइस में लस्सी है। अबे नहीं, डंडे में चिपका के टट्टी नहीं आ रही क्या? नहीं भाई मैं करता ही नहीं भाई। तो भाई लोग यहाँ से निकल चुके हैं रानीखेत की मार्केट से, क्योंकि प्रॉपर मार्केट है ये रानीखेत की, और अब जा रहे हैं अल्मोड़ा की तरफ। बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, बारिश नहीं पड़ी इसलिए जो है स्नोफॉल हुआ नहीं, और यहाँ के लोग भी ये कहते हैं एक बारिश होती ना स्नोफॉल हो जाएगा, बट जो है मैप में दिखा रहे थे कि यहाँ बारिश होने वाली है, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। सो अभी भाई लोग, ये जो मैं चल रहा हूँ ना, ये सारा मिलिट्री एरिया है, मतलब यहाँ पे हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है। टू व्हीलर तो लेकर सकते हो, फोर व्हीलर भी लेकर सकते हो कार वगैरह, बट उससे ज़्यादा हैवी नहीं है। पूरे ना यहाँ पे ऑफिसर्स वगैरह के ये लेफ्ट में बने हुए हैं, ये देख रहे हो पूरा चेक पोस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस एरिया में। सो भाई लोग, रानीखेत से जो अल्मोड़ा का रूट आता है ना, वो कितना ही सुंदर आ रहा है, ये देख रहे हो दोनों तरफ बड़ी बस व्यू आ रहा है। यह है फील्ड कॉर्बेट करके कुछ लिखा था भी, नो पार्किंग, स्पीड लिमिट है 60-30, और ये पूरा ना आर्मी वाला एरिया है, सो वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है, सब देख रहे हो लगाए भी हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, सो इसलिए यहाँ पे रुक रुक नहीं सकते आप, बस काफ़ी सुंदर है ये। और ये वाला रूट ना बाकी रूटों से भी डिफरेंट है, आपको शायद सेम ही लग रहा होगा बट एक्चुअल में सिमिलर नहीं है। जो राइड करता है ना वही समझ पाता है कि कैसा रूट है, बट काफ़ी अच्छा रूट है ये। अब ना मैं आपको कुछ एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको देख के ना आपके होश उड़ने वाले यार, ट्रस्ट भी इतनी ब्यूटीफुल है। ये देखो हिमालयस व्यूज़ है भाई, ये बाइक तो प्यारी है ही, बट पीछे ये देखो, वो टॉप पे देख रहे हो जहाँ स्नो पड़ी हुई है, वो पूरे हिमालय वाले पहाड़ हैं, पूरे हिमालय के पूरे। यार ये देखो बीच बीच में छोटे छोटे गाँव होते हैं ना, उन्हें क्रॉस करने में बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग से करेक्टर्स दिखते हैं ऐसे। अभी देखो बास्केट्स लेके जा रहे हैं, लकड़ी की कितनी सुंदर लग रही है यार। मुझे लग रहा है कि आज भी ना शाम भी लग जाएगी पहुंचने में, बिकॉज व्यू इतने प्यारे प्यारे आ रहे हैं यार। ऐसा मैं मोटो जीपी के ट्रैक पे भाग रहा हूँ क्या? एक बार यार राइट साइड में चेक करो, ये गांव तो नहीं पता कौन सा है, बट हम अल्मोड़ा के रूट पे जा रहे थे, और इतना प्यारा व्यू आया यहाँ से कि देखो छोटे छोटे से घर दिख रहे हैं, तो बिल्डिंग जैसे, बहुत ही सुंदर लग रहा है यार व्यू तो। और ऐसा व्यू तो कहीं भी देखने को नहीं मिला मेरे पास तक, इतनी बार चला गया मैं पहाड़ों पर, बट ये सबसे अलग है। ये देखो सामने कितना ही प्यारा लग रहा है, और अपने सारे राइडर चल रहे हैं यहाँ पे, भाई राहुल भाई को झूठ बोल के हमने बोला कि 1.5 किलोमीटर बस आप आगे गए हो, पीछे आ जाओ, और कम से कम यहाँ से 7 किलोमीटर था, और अब राहुल भाई पहुंचे तो उनका एक्सपीरियंस लेते हैं। क्या रहता है राहुल भाई, 1.5 किलोमीटर कवर करने में इतना टाइम लगता है क्या?
5 किलोमीटर? अरे मुझे लगा यार यही पास में ही हो, तो भाई राहुल भाई को बोला हमने 1.5 किलोमीटर है। अगर हम ये बोलते ना कि नहीं कि भाई 7 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर तक आते नहीं, इसलिए हमने कहा कि भाई 1.5 किलोमीटर जल्दी आ जाओ। आओ यार मैगी खुशबू आ रही है। अब वो दोनों पता नहीं कहाँ रह गए, शुभम और वो पीछे मिले थे लेकिन वो वहां से चलते पता नहीं आए नहीं। ओए आ गई बुड़बुड़, आ गई बुड़बुड़। यहाँ पे अपनी मैगी बन रही है भैया। जगह कौन सी है? खटारमर। सपने बाकी बंदे भी आ गए हैं। खटारमर है, खटारमर। चीयर्स करेंगे तुम? तो राहुल भाई का ये कहना था कि हमारी ग्रुप फोटो नहीं होती है। राइटर एक ही फ्रेम में आ जाओ। अबे सारे राइटर आ जाओ यार, हट तू तो हट। अबे राइटर बोला है मैंने, तू हट। अबे इसे राइटर, ये हटर राइटर बोला है भाई तेरे को थोड़ी। तो भाई अभी यहाँ पे क्या जो फेक स्नोफॉल किया गया है और उसका नतीजा देखो ये है कुछ। ये देखो अभी यहाँ पे फेक स्नो की गई थी, बस इतने बीच में पड़ी है जितनी स्नो पड़ी है। यार ये जो अल्मोड़ा सिटी है ना, जो अल्मोड़ा शहर है, इतना ही सुंदर है, इतना ही प्यारा है, जब दिन में इतना प्यारा लग रहा है और काफ़ी यूज है, पता है शिमला से भी बड़ा लग रहा है सच में। रात में तो और ज़्यादा ही अच्छा व्यू आएगा जब लाइटिंग वगैरह पूरी चलेगी। सो अभी हम जो अल्मोड़ा से ऊपर जा रहे हैं 50-60 किलोमीटर ऊपर, एक मंदिर पड़ता है गोलू मंदिर और एक मंदिर और है, वहीं पे जा रहे हैं, वहीं कहीं स्टे करेंगे। मतलब अल्मोड़ा और उस डिस्टेंस के बीच में कहीं स्टे करते हैं आज का, और वहीं से फिर मंदिर भी चलेंगे और बाकी चीज़ भी देखते हैं। बिकॉज मज़ा ना मंजिल का नहीं है, मज़ा सफ़र का है। तो आप लोग बस सफ़र का मज़ा लो मेरे साथ और इन हसीन वादियों में। अरे एक गाना याद आ गया, हसी वादियों में टकरा गए हम फिर मुसाफिर कहीं। लगा दोगे है? गुंदा तो तू गिर गया, उतार दूं गुंदा तो? गुंदा होगा इसका तब, गुंदा तो मेन है ना। अच्छा वो गिर गया वो तो। कुछ नहीं, अबे चेन टूट गई, चेन लगवा रहा हूँ। यहाँ पे चेक करो, अभी हम रूम वगैरह देख रहे थे यहाँ पे रुके थे और मंदिर की वजह से यहाँ पे इधर ट्रैफिक लगा दूर दूर तक, ये इधर और ये पीछे मंदिर से कितना आगे। तो भाई लोग फाइनली हमने जो होटल ले लिया है अपना, जो गोलू देवता टेम्पल है उसके जस्ट पास में लिया है। क्या कर तो ये यहाँ से लेफ्ट लोग ना गोलू देवता टेम्पल के लिए एंट्री है यहाँ से। और एक बार आपको रूम दिखाता हूँ, एक रूम ये अपना और एक आपको अपना रूम दिखाता हूँ एक बार। ये रूम है कुछ हमारा, यहाँ पे मेरा और नोनू का सामान फैला हुआ है और अपना हेलमेट रखा हुआ है मस्त। अभी रेडी हूँ, थोड़ा सा और रेडी होना है बस, बाकी फिर निकलते हैं आगे के लिए। और बाकी व्यू एक नंबर आता है यहाँ से, एक बार व्यू चेक करो। भाई लोग अपना जो है लगेज वगैरह पूरा रख दिया रूम पे और अब निकल गए हैं मंदिर के लिए। पास में एक मंदिर और है, अभी चल के दिखाता हूँ आपको, काफ़ी अच्छा है वहाँ पे मंदिर। और आते आते तो रात ही हो जा रही है, बट कोई नहीं, नज़ारे देखो और रोड देखो कितने प्यारे हैं एकदम। यहाँ से 7 किलोमीटर हो रहता है, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा लेकर आ गए हैं, एक बार नज़ारे देखते हैं यहाँ से। ओए होए क्या ही मस्त रोड लग रहा है यार, ये देख रहे हो दिखे लिखा ना जागेश्वर, जागेश्वर मंदिर यहाँ से 7 किलोमीटर। गड्ढा हो रखा है,
अच्छा हुआ साले बाइक नहीं थी आगे। अरे टाइगर जय जय श्री राम जय श्री राम। लोग जो है थोड़ा सा लेट हो गए, मंदिर ऑलमोस्ट बंद हो चुका है, अभी प्रसाद है, जल्दी जल्दी चलो चलो बढ़ते रहेंगे भाई, सब चढ़ाओगे अभी, खाली प्रसाद लेके चलते रहना आप लोग। लो पड़ी जी, चल जय बोलो, चल भाई रो दर्शन करिया। भाई ये देखो नीचे ये बर्फ भी जम रही है, देखो बर्फ है, जहाँ कोई नहीं है वहाँ बर्फ जम जा रही है। कैमरा और भाई ऐसे छोटे छोटे बंदे बहुत सारे बने हुए हैं, देखो अबे यहाँ पे बर्फ कहाँ से आ गई तेरी, अबे बर्फ है पाउडर है, वो पानी है जम गया है, जो पानी जम गया भाई यहाँ पे, तो सोचो पैर कितने जम रहे होंगे इस टाइम यहाँ पे। तो भाई बहुत बुरी हालत हो गई यहाँ पे, क्योंकि ना बर्फ जो पानी निकल रहा है ना पत्थरों में से, ये नेचुरल पानी निकल रहा है पत्थरों के अंदर से, और वो जम चुका है, बर्फ जम गया, तो सोचो पैर कितने ज्यादा जम रहे होंगे। और ऐसे छोटे छोटे बंदे ना काफी सारे बने हुए हैं यहाँ पे, ये देखो ऐसे बने हुए इस टाइप से, ये चारों तरफ मंदिर बने हुए ऐसे, और मेन मंदिर ये है और एक मंदिर वो है, दोनों जगह पूजा होती है। तो लास्ट वाला 5 मिनट भी लेट हुआ था ना, तो हमें आरती नहीं मिलती, और एक मंदिर है अभी यहाँ पे 124 मंदिर है, छोटे छोटे मतलब इस टाइप के ये ऐसे ना, जो पंडित जी ने बताया, तो नौ है जिनमें आरती होती है। तो यहाँ के जो भी पंडित जी उन्होंने बताया कि टोटल 124 मंदिर है जो ऐसे छोटे छोटे बने हुए पूरे एरिया में, तो अभी तो लेकर शाम को 6 बजे तक आरती होती है, सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक दोनों टाइम होती है। थोड़ा सा लेट हो गए तो उसे दिखा नहीं पाया, बट अभी भी देख लो 4 पे हम बाहर निकले हैं, मंदिर बंद हो चुका, 5 मिनट और होते तो फिर सब मिस हो जाता। की जय 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 श्री राम जय श्री राम। तो भाई लोग अभी क्या है ना, मंदिर से जस्ट निकले थे और पूरे हाथ पर कड़क चुके हैं, है हरमन भाई, वाले गंदे सोने हो चुके हैं बर्फ। हाँ भाई सोने पूरे हाथ पर, भाई हाथ पर, तो भाई हमें अभी जरा हम यहाँ से निकल रहे थे रास्ते से, हमें एक वो मिल गया, क्या बोले बॉनफायर मिल गई, सुकून मिल गया, देखो यहाँ पे बैठे हुए स्टार्टिंग में तो फील भी नहीं हुई कि आग चल रही है। हाँ भाई हाथ पर पूरे सुन हो गए थे, अच्छे लग रहे थे, और देखो यहाँ पे एक छोटी सी रिवर बह रही है अगर दिख रही हो तो आपको, और सामने था मंदिर, और यहाँ पे थोड़ा सा अपना हाथ पैर गर्म कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे के लिए। भाई लोग यहाँ बैठे हुए थे और वो देखो आगे चल गए। हाँ भाई वीरे क्या हाल है, वीरे हत्या से क्या, जल्दी 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 भाग के आओ भाई, हाँ अबे कर देंगे आ जा, अबे तू भाई रुक जा 2 मिनट, हाथ तो गर्म कर ले थोड़े से, देखे लू बड़ा, देखो चमक रहा है पूरा, रेडियम रेडियम साला बोलते हम नहीं दे रहे। घर जा रहे थे रास्ते में एक दुकान पड़ी थी, तो यहाँ पे ये पसंद आया मुझे, एक ये पसंद आया था, एक ये पसंद आया, तो फिलहाल ये लेने का अपना प्लान बन रहा है, और बाकी अभी बहुत सारी चीजें यहाँ पे, पर फिलहाल जो अपना ये ले रहे अभी। सो भाई लोग यहाँ से निकल रहे हैं वापिस अब रूम के लिए, और थोड़ी थोड़ी ज्यादा हो रही है, देख रहे हो बाइक भी और जब गई ठंडी वाली, पहले से कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं, अब गद्दे वाली हालत खराब होगी भाई घर जाने में। सो भाई लोग मंदिर से पहले ये एक छोटी सी मार्केट पड़ती है, अगर आप मंदिर आ रहे हो डायरेक्टली तो यहाँ भी होटल, इस तो काफ़ी सारे ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास होटल के लिए, लेकिन हम जब गोलू मंदिर के पास रुके हैं वहाँ पे एक ही होटल है और कोई आसपास होटल नहीं है, तो हमें वहीं रुकना था, तो हम इसलिए वहीं रुक गए, हमने यहाँ पे प्रीफर नहीं करा रुकना, बिकॉज थोड़ा सा हमें शांत वाली जगह चाहिए थी जहाँ पे थोड़ा सा इस पर। सो भाई लोग आप लोग तो बाइक राइड देखते रहते हो मेरी, और मैं नज़ारे दिखाते रहता हूँ एक से एक बढ़कर, लेकिन आज जो नज़ारे दिखाना वाला एकदम ज़बरदस्त है। एक बार ये देखो ये खड़ी अपनी बाइक, और एक बार ये चेक करो, ये नीचे पूरा अल्मोड़ा है और कितना ही सुंदर लग रहा है, शायद कैमरे में इतना जस्टिस ना हो रहा हो, बट रियल आंखों से देखो यार बहुत सुंदर लग रहा है यार अल्मोड़ा पूरा, और यहाँ पे जो अपनी सारी बाइकें खड़ी हुई हैं लाइन से, ये खड़ी अपनी भालू और ये बाइक सारी बाइकर्स आगे खड़े हैं, तो यार काफ़ी अच्छा यार ये रूट है ना, बहुत तगड़ा रूट है,
हो सकता है कि आपको सारी ज्यादा चीजें मैंने नहीं दिखाई होगी, बिकॉज रूट इतना प्यारा, रूट को एंजॉय करो यार, मजा मंजिल का नहीं सफर का होता है, तो सफर का बहुत मजा करा हमने ना। अभी टाइम है 7:10 हो रही है और यहाँ ऐसा अंधेरा हो गया है, जंगल के बीच में चल रहे हैं। देखो लाइट बंद करता हूँ, देखो कुछ दिख ही नहीं रहा और जंगल है भाई चारों तरफ। मजा आता है लेकिन ऐसी जगह पर राइड कर रहे हैं ना, टू मच फन। और ये देखो पूरा अल्मोड़ा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, थोड़ा रोमांटिक गाने चल रहे हैं, फुल माहौल सेट है भाई। तो भाई लोग, अब जो मंदिर से आ चुके हैं वापस होटल, और बहुत ज़्यादा कड़ाके वाली ठंड रखी है, और अभी रूम में जाके कपड़े वड़े पहन रहे हैं। और ये सामने होटल पार्वती होटल, यहाँ पर बस एक ही रूम है, पीछे गोलू देवी मंदिर, और यहाँ पे बस आसपास कोई होटल नहीं है, एक ही होटल है। ये अपनी बाइकें खड़ी है और यहाँ पे अपनी बस कॉफ़ी चल रही है, और सामने माउंटेन व्यू, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है। बोलो ठंड लग रही है भाई, है ठंडी लग रही है यार, गर्मी लग रही है। ये देखो इसको तो ठंड लग रही है हैरी पॉटर को, और यहाँ पे चाय बिस्किट लेके बैठा हुआ है। तो चाय बिस्किट करते हैं और खाने का ऑर्डर दे दिया है, और फिर उसके बाद ऊपर चले गए रूम पे। तो भाई रात में जो यार रात में क्या है, ड्रोन उड़ा रहे हैं। एक बार ये ड्रोन अपना रेडी हो गया, शो में रेडी कर रहे हैं, वहाँ पे बाइक का एक शॉट लेना बड़ा प्यारा सा। ये अपने होटल के बाहर ही ड्रोन रेडी हो रहा है अभी। देखो इससे एक आइडिया भी लग जाएगा मुझे कि यहाँ सैटेलाइट आती है सही से कि नहीं आती है। नो फ्लाई जोन तो नहीं है? होगा बहन चो, तू तो बोलेगा इस साले मजे ले रहे तुम्हें तो ऑडियंस, मैं पकड़ लूँ हाथ पे। तो भाई ड्रोन रेडी हो रहा है अभी, थोड़ा सैटेलाइट प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा थोड़ा थोड़ी बैटरी डाउन हो गई है, पेट्रोल डलवाना है। कर भाई फ्लाई, भाई ये गया अपना ड्रोन, और यहाँ पे लेगा शॉट है बाइक का। अबे एकदम झटके से पकड़ना होगा, वाह भाई वाह, हमारा सुबह भाई अब प्रो हो चुका है, बाकी सुबह टेस्ट करेंगे अच्छे तरीके से। तो भाई लोग काफी देर बाद नीचे टाइम पास करने के बाद ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर जाने का मन नहीं कर रहा था कि ऊपर जाके करके गया। सो ये अपने होटल का व्यू आता है, यहाँ पे अपने होटल ले चाबी ले खोल। सो अंदर चलते रूम के अंदर, और यहाँ से भी अपने ड्रोन फ्लाई किया था उस एरिया से, और यहाँ पे अपना पूरा एरिया यहाँ से ओपन कर। मेरा कहाँ हेलमेट वहाँ रखा है क्या? सो ये अपना हेलमेट रखा हुआ है, इस रूम में रख दिया था भाई, इस रूम में कपड़ा उचा पड़ा है बेटा। भाई ये हमेशा चूते पत्ती करता है साला, ग्लव्स गिरा के आ गया। तेरे को दो भेजे थे भाई, मेरे को पक्का याद है। अब तो देखना ये क्यों होगा, अबे कोई आया थोड़ी है यहाँ पे, बस ये हेलमेट इनके आए नहीं दोनों, हेलमेट हटा इसका, हेलमेट हटा ना, खाना पीना खाते है और अपना रूम का सारा सामान सेट कर दिया है, हेलमेट वगैरह यहाँ रख दिए और राइडिंग गियर्स वगैरह सब इसके अंदर फेंक दिए और रूम अपना सेट कर दिया है। और आपको ना एक बार बराबर वाला रूम दिखाता हूँ कि कैसे गंद मची पड़ी उस रूम में, इसलिए हमने बोला कि तुम्हारे रूम में बैठ के खाएंगे पिएंगे, हमारे रूम में बताओ छोटा रूम है। इसका रूम देखो एक बार कैसा गड्ढा हुआ पड़ा है, चेक करो एक बार। तो अभी क्या खाना पीना लग चुका है अपना, रोड एकदम सुनसान और अपनी बाइकें खड़ी है यहाँ पे नीचे, और अब चलते सीधे रूम के अंदर, देखते हैं रूम का माहौल क्या है। ओए होए यहाँ भाई खाना पीना तो भाई लोग यहाँ पे नॉन नूडल खाना लगा दिया सबके लिए, नोनू भाई ये देखो पहले होगी पेट पूजा फिर होगा काम पूजा, तो देखते हैं भाई क्या सीन बनता है खाना खाने के बाद। और दूसरा काम क्या है जो है केक हमने रेडी कर लिया है, अभी जो है 5 मिनट है यहाँ पे केक रेडी हो गया, और राहुल भाई को पार्टी पापड़ दे दिया। राहुल भाई रेडी हो ना, बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, अभी हवा आ रही है, डियर नोनू हैप्पी बर्थडे टू यू। ऑडियो जंगल।